नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत, पादप रोग विशेषज्ञ सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर से। हमारा इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कुछ सालों से लगातार बहुत सारी बीमारियां आ रही है, तो बीमारियों के क्योंकि ज़्यादातर सोयाबीन की बीमारियां बीज जनित हैं, इसलिए हमें बीज उपचार बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई 95-60 वेराइटी ग्रो करवाते हैं, 95-60 वैरायटी ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित होती है, इसलिए मैं आज आपको बीज उपचार के बारे में बताना चाहता हूँ। बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक हम बाधित क्रम के अंदर ही बीज उपचार करते हैं, सबसे पहले फंगीसाइड से, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड से, उसके बाद में जो भी माइक्रोब्स कल्चर है, जो आपके ट्राइकोडर्मा है, राइजोबियम है, जो भी आपके कल्चर है आपको उसको सबसे लास्ट में लेंगे। सबसे पहले फंगीसाइड से हम हमारे सोयाबीन के अंदर तीन सीड ट्रीटमेंट की फंगीसाइड प्रचलित है तथा हमारे इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेड है, जिसमें है कार्बोक्सिन प्लस थायरम या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस थायफनेट मिथाइल या पेनफ्लोफेन प्लस ट्राइफ्लोक्सोस्टोरबिन। इन तीनों से ही आपको इसमें से किसी एक का आप बीमारियों के लिए कर सकते हैं। जितनी भी बीमारियां सोयाबीन में आती है उन सभी के लिए बीज उपचार बहुत ही इफेक्टिव है, सिर्फ येलो मोजाइक वायरस को छोड़ के सभी बीमारियों के लिए इफेक्टिव है। इस बीज उपचार करने के बाद 2-3 घंटे तक बीजों को सुखा लें। बीज उपचार करने से पहले थोड़ा बीजों को बीज के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दें, स्प्रिंकलर से या जो आपके हाथ के अंदर फुहारा सिस्टम से, हाथ के फुहारे से भी आप छिड़क के थोड़ा गीला कर लें और अनुशंसित दर से बीज को फंगीसाइड से उपचार करें। उसके बाद 3-4 घंटे अच्छी तरह से धूप में सुखाने के बाद में जिस क्षेत्र के अंदर येलो मोजाइक का प्रकोप हर साल रहता है, उस क्षेत्र में थाइमेथोक्सोन और इमिडाक्लोप्रिड, इन दोनों दवाइयों से बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के बाद में आप इस तरह के बीज पाएंगे, इसके अंदर दोनों फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट किया गया है। इससे आप येलो मोजाइक वायरस बीमारी तथा SMV बीमारी और 2-3 वायरस बीमारियों को भी आप बचा सकते हैं।